डे टू ऑल, टुडे वी आर डिस्कस एयर कंप्रेसर सर्किट डायग्राम, हाउ वी आर स्टडी सर्किट डायग्राम ऑफ द एयर कंप्रेसर। फर्स्ट वी आल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वी आर स्टार्ट फ्रॉम मेन सप्लाई एंड इट इज़ अ कंट्रोल सप्लाई। तो 440 सप्लाई यहाँ से जाएगी टू द मोटर के लिए, ठीक है। तो इसके बीच में कौन कौन से कॉन्टैक्टर आएंगे? एक तो हमारा सर्किट ब्रेकर आएगा, ये एम्पियर मीटर आएगा, और ये कॉन्टैक्टर जो मेन कॉन्टैक्टर रहता है वो आएगा, और ओवर करंट रिले आएगा, ठीक है। इन इस कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज कराने के लिए हमारा ये कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, और इसके लिए यहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। स्टेप डाउन यूज़ किया गया है फॉर कंट्रोल सर्किट के लिए, और इस सर्किट डायग्राम से पता चल रहा है कि ये जो कॉन्टैक्टर है का जो कॉइल है, यानी इस एमसी कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है वो 440 वोल्ट का है। तो 440 वोल्ट के कॉन्टैक्टर को 220 वोल्ट से एनर्जाइज कैसे कराएंगे? या कह सकते हैं कि इस 440 वोल्ट कॉइल को 440 वोल्ट सप्लाई किस टाइप से अवेलेबल होगा ताकि ये मोटर स्टार्ट हो सके। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि इस एमसी कॉइल को एनर्जाइज कराने के लिए X2 कॉइल को एनर्जाइज कराना पड़ेगा। तो इस X2 कॉइल को एनर्जाइज कराने के लिए इस X2 यहाँ पर जो हमारा अवेलेबल है इसको एनर्जाइज कराना पड़ेगा। अब ये कॉइल कैसे एनर्जाइज होगा? इस X1 की हेल्प से। इस X1 को एनर्जाइज कराने के लिए हमें इस X1 कॉइल को एनर्जाइज कराना, इस कॉन्टैक्ट को एनर्जाइज कराने के लिए इस X1 कॉइल को एनर्जाइज कराना पड़ेगा। वो कैसे एनर्जाइज कराएंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट स्टॉप बटन की। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रहा है वो हमारा फ्यूज से होते हुए, ओवर करंट रिले से होते हुए, उसका 95-96 जो नॉर्मल एनसी रहता है और अदरवाइज एनओ हो जाता है, एनी फॉल्ट आता है। उसके बाद ये ऑटो और मैनुअल, इसके बारे में बताएंगे हम। उसके बाद ये सप्लाई जाता है हमारा यहाँ से X3 जो नॉर्मल एनसी है, एनसी सीधा स्टार्ट बटन से होता हुआ सीधा X1 कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। यानी ये स्टार्ट बटन दबाएंगे या ये स्टार्ट बटन दबाएंगे तो हमारा ये X1 कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। ये X1 एनर्जाइज होगा तो ये NC बन जाएगा क्योंकि नॉर्मल NO है। तो X2 एनर्जाइज हो जाएगा, जब X2 एनर्जाइज हो जाएगा तो ये हमारा NO के जो कॉन्टैक्ट X2 है वो NC बन जाएगा, और हमारा MC कॉन्टैक्ट एनर्जाइज हो जाएगा। अब हम ये प्रोसीजर थी जबकि ये कॉन्टैक्ट होगा मैनुअल में, ठीक है। अब हम ऑटो में चेक करें, जैसे ही हम इसको ऑटो में डालेंगे तो X3 एनर्जाइज होगा, ठीक है। X3 एनर्जाइज होगा इसकी एक कंडीशन और, जब मैनुअल में था तो ये X3 एनर्जाइज नहीं था, ये NC रहेगा, तो हम इसे मैनुअली स्टार्ट कर सकते थे। अब कंडीशन हमने इसको ऑटो में डाल दिया, ऑटो में क्या होगा? X3 एनर्जाइज हो जाएगा, ये NO बन जाएगा, ये NC बन जाएगा। यानी अब हमारा जो स्टार्ट स्टॉप होगा वो सर्विस एयर जो हमारा एयर कंप्रेसर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉटल के एयर बॉटल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें प्रेशर हाई है या लो है। अगर हाई है तो वो जब ये क्लोज हो जाएगा, तो हाई प्रेशर है तो ये ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है। ये NO हो जाएगा, हाई है तो हमारी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ये प्रेशर नीचे आएगा, डाउन होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये हमारा क्लोज हो जाएगा और हमारा सर्विस एयर कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही टम्परेचर यहाँ पे जब जैसे इसमें प्रेशर हाई हुआ तो ये NO बन जाएगा, ठीक है। NO जब बन जाएगा, जैसे ही प्रेशर लो होने लगेगा तो ये NC बन जाएगा, ठीक है। और जो ये हमारा लो वाला है ये भी NC बन जाएगा, ठीक है। जब एक सर्टेन लेवल से यहाँ 24-25 bar आई थिंक रहता है ऑन बोर्ड शिप पे, जब
ऐसे ही उसके 20 पे आएगा, मैक्सिमम 24-25 रहता है, मिनिमम 20 आई थिंक रहता है। 20 पे आते ही ये स्टार्ट हो जाएगा, तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों ये डायग्राम था हमारा एयर कंप्रेसर का, ठीक है। और इसी प्रकार से हम वायरिंग डायग्राम पढ़ सकते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। जैसे ये सर्किट ब्रेकर को हम ड्राइंग में मोस्टली 52 नाम से जानते हैं, और ये मेन कॉन्टैक्टर को हम 88 नाम से जानते हैं, और ओवर करंट रिले को हम 51 नंबर से जानते हैं, और बाकी फ्यूज़ लैम्प्स और कॉन्टैक्टर्स डिफरेंट टाइप रहते हैं। और ये साइड पर दे रखा है, इसको मोस्टली हम टर्मिनल ब्लॉक्स कहते हैं, टर्मिनल ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो इसी कुछ छोटे छोटे हेल्प से हम इजीली ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। और जैसा कि हमारे चैनल का मोटिव है कि इन्हेंस ऑन नॉलेज विद आवर चैनल, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब प्रदीप सिंह हमसे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मोर वीडियोस जैसे ही अपडेट होंगी आपके चैनल पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। थैंक यू।